शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करीबी सूत्रों ने दी जानकारी कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करीबी सूत्रों ने दी जानकारी कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। तो आपको बता दें, सचिन पायलट के ही करीबी सूत्र ने कहा कि सीएम आवास का बगीचा बहुमत साबित करने की जगह नहीं है। जी हाँ, अगर गहलोत के पास नंबर है तो राज्यपाल के पास क्यों लेकर नहीं जा रहे। सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सीधे। तो करीबी सूत्रों ने दी जानकारी कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम आवास का बगीचा बहुमत साबित करने की जगह नहीं है। अगर गहलोत के पास नंबर है तो राज्यपाल के पास लेकर क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल, उन्हीं के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर गहलोत के पास नंबर है तो वो राज्यपाल के पास क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर उन्हीं के करीबी सूत्र ने प्रजातंत्र टीवी को दी है। तो आपको बता दें, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। तो आपको बता दें, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक संकट अब थमता दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया और सोनिया राहुल के नेतृत्व में विश्वास दिखाया। कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित हुआ कि बीजेपी के षड्यंत्रकारी मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत को 109 विधायकों का समर्थन है, इनमें से 104 वहां मौजूद हैं, जबकि 5 विधायकों ने समर्थन पत्र सौंपा है। वहीं सचिन पायलट के सपोर्ट में उन्हें मिलाकर कुल 17 विधायक हैं। तो बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं शामिल हो रहे। और आपको बता दें, पार्टी आला कमान ने सचिन पायलट से वापस लौटने को कहा तो सचिन पायलट को पार्टी द्वारा भेजे गए संदेश में कहा गया, हम लोग आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, हम लोग खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं, कृपया वापस आइए और बात कीजिए। तो ये जानकारी निकल के आ रही है राजस्थान से, सचिन पायलट से लौटने को कहा गया है, वापस लौटने को कहा गया है। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने उन्हें फोन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और सचिन पायलट के करीबी ने कहा कि सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम और अहमद पटेल ने उनसे बात की है। सचिन पायलट को जयपुर जाने के लिए कहा गया ताकि स्थानीय लेवल पर आगे बात हो सके। ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अब बार्गेनिंग के मूड में नहीं है। उन्होंने अपने समर्थक मंत्रियों को गृह और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देने की मांग की है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पास रखने की शर्त भी जाहिर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे, ये उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं। हो रहे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करीबी सूत्रों ने दी जानकारी कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। तो आपको बता दें, सचिन पायलट के ही करीबी सूत्र ने कहा कि सीएम आवास का बगीचा बहुमत साबित करने की जगह नहीं है। जी हाँ, अगर गहलोत के पास नंबर है तो राज्यपाल के पास क्यों लेकर नहीं जा रहे। सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सीधे। तो करीबी सूत्रों ने दी जानकारी कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम आवास का बगीचा बहुमत साबित करने की जगह नहीं है। अगर गहलोत के पास नंबर है तो राज्यपाल के पास लेकर क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले, सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल, उन्हीं के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर
गलहोत के पास नंबर है तो वो राज्यपाल के पास क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर उन्हीं के करीबी सूत्र ने प्रजातंत्र टीवी को दी है। तो आपको बता दें, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। तो आपको बता दें, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक संकट अब थमता दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया और सोनिया राहुल के नेतृत्व में विश्वास दिखाया। कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित हुआ कि बीजेपी के षड्यंत्रकारी मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत को 109 विधायकों का समर्थन है, इनमें से 104 वहां मौजूद हैं, जबकि 5 विधायकों ने समर्थन पत्र सौंपा है। वहीं सचिन पायलट के सपोर्ट में उन्हें मिलाकर कुल 17 विधायक हैं। तो बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं शामिल हो रहे। और आपको बता दें, पार्टी आला कमान ने सचिन पायलट से वापस लौटने को कहा तो सचिन पायलट को पार्टी द्वारा भेजे गए संदेश में कहा गया, हम लोग आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, हम लोग खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं, कृपया वापस आइए और बात कीजिए। तो ये जानकारी निकल के आ रही है राजस्थान से, सचिन पायलट से लौटने को कहा गया है, वापस लौटने को कहा गया है। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने उन्हें फोन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और सचिन पायलट के करीबी ने कहा कि सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम और अहमद पटेल ने उनसे बात की है। सचिन पायलट को जयपुर जाने के लिए कहा गया ताकि स्थानीय लेवल पर आगे बात हो सके। ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अब बार्गेनिंग के मूड में नहीं है। उन्होंने अपने समर्थक मंत्रियों को गृह और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देने की मांग की है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पास रखने की शर्त भी जाहिर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे, ये उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, सचिन शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करीबी सूत्रों ने दी जानकारी कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। तो आपको बता दें, सचिन पायलट के ही करीबी सूत्र ने कहा कि सीएम आवास का बगीचा बहुमत साबित करने की जगह नहीं है। जी हां, अगर गहलोत के पास नंबर है तो राज्यपाल के पास क्यों लेकर नहीं जा रहे। सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सीधे। तो करीबी सूत्रों ने दी जानकारी कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम आवास का बगीचा बहुमत साबित करने की जगह नहीं है। अगर गहलोत के पास नंबर है तो राज्यपाल के पास लेकर क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सबसे पहले सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल। उन्हीं के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर गहलोत के पास नंबर है तो वो राज्यपाल के पास क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर उन्हीं के करीबी सूत्र ने प्रजातंत्र टीवी को दी है। तो आपको बता दें, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। तो आपको बता दें, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक संकट अब थमता दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया और सोनिया राहुल के नेतृत्व में विश्वास दिखाया। कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित हुआ कि बीजेपी के षड्यंत्रकारी मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत को 109 विधायकों का समर्थन है, इनमें से 104 वहां मौजूद हैं, जबकि 5 विधायकों ने समर्थन पत्र सौंपा है। वहीं सचिन पायलट के सपोर्ट में उन्हें मिलाकर कुल 17 विधायक हैं। तो बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं शामिल हो रहे। और आपको बता दें, पार्टी आला कमान ने सचिन पायलट से वापस लौटने को कहा
तो सचिन पायलट को पार्टी द्वारा भेजे गए संदेश में कहा गया, हम लोग आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, हम लोग खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं, कृपया वापस आइए और बात कीजिए। तो ये जानकारी निकल के आ रही है राजस्थान से, सचिन पायलट से लौटने को कहा गया है, वापस लौटने को कहा गया है। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने उन्हें फोन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और सचिन पायलट के करीबी ने कहा कि सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही कि सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम और अहमद पटेल ने उनसे बात की है। सचिन पायलट को जयपुर जाने के लिए कहा गया ताकि स्थानीय लेवल पर आगे बात हो सके। ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अब बार्गेनिंग के मूड में नहीं है। उन्होंने अपने समर्थक मंत्रियों को गृह और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देने की मांग की है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पास रखने की शर्त भी जाहिर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे। कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं शामिल हो रहे, और आपको बता दें पार्टी आला कमान ने सचिन पायलट से वापस लौटने को कहा, तो सचिन पायलट को पार्टी द्वारा भेजे गए संदेश में कहा गया, हम लोग आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, हम लोग खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं, कृपया वापस आइए और बात कीजिए। तो ये जानकारी निकल के आ रही है राजस्थान से, सचिन पायलट से लौटने को कहा गया है, वापस लौटने को कहा गया है। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने उन्हें फोन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और सचिन पायलट के करीबी ने कहा कि सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम और अहमद पटेल ने उनसे बात की है। सचिन पायलट को जयपुर जाने के लिए कहा गया ताकि स्थानीय लेवल पर आगे बात हो सके। ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अब बार्गेनिंग के मूड में नहीं है। उन्होंने अपने समर्थक मंत्रियों को गृह और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देने की मांग की है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पास रखने की शर्त भी जाहिर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे, ये उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं। में नहीं शामिल होंगे, तो आपको बता दें सचिन पायलट के ही करीबी सूत्र ने कहा कि सीएम आवास का बगीचा बहुमत साबित करने की जगह नहीं है। जी हां, अगर गहलोत के पास नंबर है तो राज्यपाल के पास क्यों लेकर नहीं जा रहे। सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सीधे। तो करीबी सूत्रों ने दी जानकारी कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम आवास का बगीचा बहुमत साबित करने की जगह नहीं है, अगर गहलोत के पास नंबर है तो राज्यपाल के पास लेकर क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सबसे पहले सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल। उन्हीं के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में नहीं जाएंगे, और उन्होंने कहा कि अगर गहलोत के पास नंबर है तो वो राज्यपाल के पास क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर उन्हीं के करीबी सूत्र ने प्रजातंत्र टीवी को दी है। तो आपको बता दें सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। तो आपको बता दें राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक संकट अब थमता दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया और सोनिया राहुल के नेतृत्व में विश्वास दिखाया। कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित हुआ कि बीजेपी के षड्यंत्रकारी मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत को 109 विधायकों का समर्थन है, इनमें से 104 वहां मौजूद हैं, जबकि 5 विधायकों ने समर्थन पत्र सौंपा है। वहीं सचिन पायलट के सपोर्ट में उन्हें मिलाकर कुल 17 विधायक हैं। तो बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं शामिल हो रहे, और आपको बता दें पार्टी आला कमान ने सचिन पायलट से वापस लौटने को कहा,
तो सचिन पायलट को पार्टी द्वारा भेजे गए संदेश में कहा गया, हम लोग आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, हम लोग खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं, कृपया वापस आइए और बात कीजिए। तो ये जानकारी निकल के आ रही है राजस्थान से, सचिन पायलट से लौटने को कहा गया है, वापस लौटने को कहा गया है। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने उन्हें फोन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और सचिन पायलट के करीबी ने कहा कि सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही कि सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम और अहमद पटेल ने उनसे बात की है। सचिन पायलट को जयपुर जाने के लिए कहा गया ताकि स्थानीय लेवल पर आगे बात हो सके। ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अब बार्गेनिंग के मूड में नहीं है। उन्होंने अपने समर्थक मंत्रियों को गृह और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देने की मांग की है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पास रखने की शर्त भी जाहिर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट भाजपा में शामिल नहीं होंगे, ये उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं। सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम आवास का बगीचा बहुमत साबित करने की जगह नहीं है। अगर गहलोत के पास नंबर हैं, तो राज्यपाल के पास लेकर क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल, उन्हीं के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर गहलोत के पास नंबर है तो वो राज्यपाल के पास क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर उन्हीं के करीबी सूत्र ने प्रजातंत्र टीवी को दी है। तो आपको बता दें, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। तो आपको बता दें, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक संकट अब थमता दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया और सोनिया राहुल के नेतृत्व में विश्वास दिखाया। कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित हुआ कि बीजेपी के षड्यंत्रकारी मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत को 109 विधायकों का समर्थन है, इनमें से 104 वहां मौजूद हैं। की परेड मीडिया के सामने करवाई है और विक्ट्री साइन दिखाया है। साफ है कि अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि उनके पास बहुमत है और सचिन पायलट के सभी दावे गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस पर है कि सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे। सचिन पायलट लगातार 25 से ज्यादा विधायक होने का दावा कर रहे हैं, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को अपने आवास में बुलाया है, जहां पर विधायकों की संख्या का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अशोक गहलोत की ओर से लगातार 100 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही थी। इस दौरान अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखाया। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। आज अशोक गहलोत ने 100 से ज्यादा विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई है और विक्ट्री साइन दिखाया है। साफ है कि अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि उनके पास बहुमत है और सचिन पायलट के सभी दावे गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब नंबर है तो राज्यपाल के पास लेकर क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले सचिन पायलट बीजेपी में नहीं हो रहे शामिल, उन्हीं के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर गहलोत के पास नंबर है तो वो राज्यपाल के पास क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर उन्हीं के करीबी सूत्र ने प्रजातंत्र टीवी को दी है। तो आपको बता दें, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। तो आपको बता दें, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक संकट अब थमता दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया और सोनिया राहुल के नेतृत्व में विश्वास दिखाया।
कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित हुआ कि बीजेपी के षड्यंत्रकारी मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत को 109 विधायकों का